नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाथ झा इंस्पायर टू हिंदी से, और आज हम बात करने वाले हैं इन्फिनिक्स हॉट एस स्मार्टफोन के बारे में। और इन्फिनिक्स द्वारा सबसे लेटेस्ट स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन की मेजर खास बात जो ये लोग कह रहे हैं वह ये है कि इसमें 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है और 18:9 एस्पेक्ट रेशियो की डिस्प्ले है। कुछ खास UI फीचर्स के साथ ये फोन आता है और ओवरऑल अगर हम बिल्ड फील सब चीज़ों की बात करें तो फोन काफ़ी अच्छा लगता है हाथ में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ये जानने के लिए कि इसका रेट क्या है, क्या ये फोन अच्छा है, लेने लायक है कि नहीं है, और इस फोन की डिटेल अनबॉक्सिंग के लिए। तो दोस्तों आइए स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। ये एंड्रॉइड 8.0 ओरियो के साथ आता है, तो एक चीज़ अच्छी कवर कर ली गई कि इसमें लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंड्रॉइड आपको दिया गया है। 1440x720p की इसकी जो डिस्प्ले है वो HD+ है, यानी 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली है। फुल HD+ नहीं है, बट स्टिल ऐसा होने की वजह से आप ये देखेंगे कि परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी स्मूद आ रही है। अगर हम सिस्टम के अंदर की बात करें तो क्वालकॉम का ऑक्टाकोर चिपसेट दिया गया है। एड्रीनो 505 इसमें GPU है और 3GB रैम मिलती है। 32GB की इंटरनल स्टोरेज है जिसमें से आपको 23 GB के अराउंड फ्री मिलता है, और इस फोन में USB OTG सपोर्टेड है। अगर हम सेंसर्स की बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट वो सारे सेंसर है जो कि आपको आम दिनचर्या में अच्छे प्रयोग के लिए ज़रूरी है। इस फोन का प्राइमरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, पर वो इस फोन का मेन पॉइंट नहीं है। मेन पॉइंट है इस फोन का फ्रंट कैमरा जो कि 20 मेगापिक्सल का है। आप ये बहुत सारे चित्र देख सकते हैं जो कि हमने इस फोन से लिए, अलग अलग जगहों पे लिए, काफी घूम घूम के लिए, और आप ये देख पाएंगे कि क्वालिटी काफी सही थी। फ्रंट कैमरा की क्वालिटी काफी इंप्रेसिव है, और एक स्पेसिफिक बजट में ऐसी फ्रंट कैमरा क्वालिटी बहुत कम फोन्स में है, तो इस मामले में फोन अच्छा है। जो सेल्फी लवर्स है उनको ये फोन काफी पसंद आएगा। अगर हम गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फोन वो सारे गेम चला पाया था जो मैंने इस पर ट्राई करे। एसफोल्ट एक्सट्रीम जैसी भारी भरकम गेम भी इस पर आराम से चल रही थी, और शैडो फाइट 3 और भी कई अन्य मैंने गेम्स इस पर खेली जो कि काफी स्मूथली चल रही थी। बेंचमार्क्स परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके बेंचमार्क स्कोर जो थे वो 58,000 के अराउंड थे अनटूडू बेंचमार्क पे, और ऐसी गीक बेंच पे भी ठीक ठाक स्कोर था, जिसको अगर आप अन्य फोनों की तुलना में देखें तो ये एक मिड रेंजर से थोड़ा सा ऊपर परफॉर्मेंस में आता है, बट फ्लैगशिप लेवल का परफॉर्मेंस नहीं है। अगर इस फोन की यूजर इंटरफेस की बात करें तो काफी स्मूथ है, ऑलमोस्ट वन पेज स्टाइल UI है जिसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। नीचे से खोलेंगे तो ऐप ड्रॉअर भी आ जाएगा जिसमें अल्फाबेटिकली चीजें अरेंज्ड है, जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये जो इसके ऑन स्क्रीन बटन है उनको आप गायब कर सकते हैं जब भी आप चाहें, और वापस भी ला सकते हैं जब भी आप चाहें। तो ये भी एक और इसकी अच्छी बात मुझे लगी कि आप इस 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाले डिस्प्ले का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये फोन यूजेबिलिटी में तो काफी अच्छे होते हैं जितने 18:9 वाले फोन्स होते हैं, पर 16:9 में आप अपना कंटेंट आराम से देख पाते हैं, आपको ज्यादा एस्टेट स्क्रीन एस्टेट मिलता है। ये मेरा अपना खुद का मानना है, और इस पे हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे जल्दी फ्यूचर में जिसमें हम डिबेट करेंगे कि क्या आपको एक 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला फोन लेना चाहिए या 16:9, और दोनों के क्या फायदे या क्या नुकसान है। तो दोस्तों इन्फिनिक्स हॉट एस टी स्मार्टफोन जो है ये जल्दी उपलब्ध होगा 8,999 की प्राइस पे flipkart.com पे, और अगर इस प्राइस में हम सोचें तो इसका एकमात्र कंपटीशन आता है ऑनर 9 लाइट जो कि इससे 1,000 रुपये महंगा है। इस फ़ोन का सेल्फी कैमरा मुझे उससे बेहतर लगा, डिज़ाइन उसके मुकाबले बेहतर नहीं है। और अगर आप इस फ़ोन की खामियों की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन 430 चिपसेट है जो कि एक थोड़ा पुराना चिपसेट है, और अगर इसकी हम कैमरा वगैरह की बात करें तो बाकी सब तो सही है पर बैक कैमरा उतना खास नहीं है। बट अगर आप पूरी ऑफरिंग के बारे में बात करें तो वो काफ़ी हद तक सही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इंस्पायर टू हिंदी को अवश्य सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मित्रों सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिएगा।